नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। कश्मीर में भटके नौजवानों को समझाने की जरूरत, गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा। कश्मीर घाटी में पिछले कुछ दिनों से जारी हिंसा के बीच हालात का जायजा लेने यहां पहुंचे गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को कहा कि कश्मीर में बहकावे में आए नौजवानों को समझाने की जरूरत है। सिंह ने मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के साथ एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि जिन नौजवानों के हाथों में कंप्यूटर होना चाहिए उनके हाथों में पत्थर देखकर दुख होता है। ऐसे नौजवानों को सही मार्ग पर लाया जाना चाहिए ताकि उनका भविष्य बेहतर बनाया जा सके। सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार अगले 2 से 4 दिन में पैलेट गन का विकल्प तलाश कर लेगी। शिवसेना बोली, दही हांडी उत्सव पर कोर्ट के आदेश को पलटे सरकार। महाराष्ट्र में दही हांडी उत्सवों को लेकर उच्चतम न्यायालय के निर्देशों की पृष्ठभूमि में शिवसेना ने गुरुवार को कहा कि सरकार को शीर्ष अदालत के आदेश को पलटने के लिए अध्यादेश लाना चाहिए। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के एक संपादकीय में कहा है कि परंपरागत तरीके से उत्सव मनाने का समर्थन करने वाले राजनेता अब शीर्ष अदालत के आदेश का पालन करने में जुट गए हैं। इसमें कहा गया है कि हालांकि सरकार ने गुरुवार को अवकाश की घोषणा की है, लेकिन यदि सरकार ने उच्चतम न्यायालय के आदेश को पलटने के लिए कुछ किया होता तो लोगों को ज्यादा खुशी होती। कोलंबिया में 50 वर्ष चला गोरिल्ला युद्ध समाप्त। कोलंबिया की सरकार और वामपंथी फार्क विद्रोहियों ने 50 वर्षों तक चले गोरिल्ला युद्ध पर विराम लगाते हुए अंतिम शांति समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने फार्क विद्रोहियों के साथ दुनिया के सबसे लंबे संघर्षों में से एक गोरिल्ला युद्ध को समाप्त करने के लिए कोलंबिया के राष्ट्रपति जुआन मैनुअल सांतोस को फोन करके बधाई दी है। इटली में शक्तिशाली भूकंप, मृतक संख्या बढ़कर 250 हुई। इटली के मध्यवर्ती इलाके में बुधवार को आए भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 250 हो गई है। नागरिक सुरक्षा विभाग ने गुरुवार को बताया कि स्थानीय अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार रियती प्रांत में 190 से अधिक और अस्कोली प्रांत में 60 लोग मारे गए हैं। मलबों से शवों को निकालने का काम अब भी जारी है। गोपी चंद ही मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ कोच, पीवी सिंधु ने कहा। अगले ओलंपिक खेलों की बेहतर तैयारियों के लिए विदेशी कोच मुहैया कराने के एक मंत्री के बयान पर रजत पदक विजेता बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने कहा है कि पुलेल गोपी चंद उनके सर्वश्रेष्ठ कोच हैं। ओलंपिक में रजत पदक जीतकर लौटी भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने कहा कि वे इस मामले में अधिक बात नहीं करना चाहती हैं, लेकिन उन्होंने साफ किया कि गोपी चंद उनके लिए सर्वश्रेष्ठ कोच हैं और उन्हें किसी अन्य या विदेशी कोच की जरूरत नहीं है। गौरतलब है कि तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री महमूद अली ने सिंधु के सम्मान समारोह कार्यक्रम में मंच से ही बैडमिंटन खिलाड़ी को और बेहतर कोच दिलाने की बात की थी ताकि वे अगले ओलंपिक में स्वर्ण जीत सकें। इतने तक के मुख्य समाचार और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।